नमस्कार, मैं हूं धनश्री के ज्ञान न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज मक्खनगर बाबई में भगवान परशुराम जन्म जयंती पर हर्षोल्लास से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। कोरोना वायरस के चलते हुए दो वर्ष के बाद इस वर्ष नगर के ब्राह्मणों ने भगवान श्री परशुराम जी की प्रतिमा की भव्य शोभा यात्रा निकाली। परशुराम भवन में सर्वप्रथम भगवान परशुराम जी की प्रतिमा की पूजन हवन किया गया। इसके बाद नगर में शोभा यात्रा श्री परशुराम भवन से होते हुए डेरिया लाइन से मुख्य मार्ग से होते हुए पुनः परशुराम भवन पहुंची। परशुराम जयंती विष्णु भगवान के छठे अवतार के रूप में मनाई जाती है। यह विशाख मास की तृतीया को होती है, इसलिए इसे अक्षय तृतीया के रूप में मनाई जाती है। परशुराम ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, जिसमें भगवान शिव ने प्रसन्न होकर वरदान के रूप में फरसा दिया था। नगर के व्यापारीगण एवं नगर के गणमान्य नागरिकों ने समस्त नगर वासियों द्वारा अनेकों जगह शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया। ठंडा जल और शरबत ब्राह्मणों का मुंह मीठा कराया एवं जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। वहीं मुस्लिम भाइयों द्वारा कौमी एकता के प्रतीक मुस्लिम समुदाय के भाइयों ने जल आइसक्रीम से शोभा यात्रा का स्वागत किया। लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर भगवान परशुराम की जयंती की शुभकामनाएं एवं ईद की बधाइयां दी। आम जनता का कहना है कि माखनगर की माटी में कौमी एकता इंसानियत भाईचारा सदैव कायम रहा और रहेगा। भाई नगर में जय जय परशुराम के नारे लगाए गए, जिसमें सारा नगर परशुराम में हो गए। शोभा यात्रा में अधिक संख्या में नगर सहित ग्रामीण क्षेत्र के ब्राह्मण बंधु और माताएं बहनें मौजूद रहे। सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। थाना प्रभारी हेमंत श्रीवास्तव और उनकी टीम द्वारा यातायात व्यवस्था, इसमें शोभा यात्रा को कोई परेशानी ना हो। माखन नगर से आशीष आशु दुबे की रिपोर्ट। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।